अगर कैसे हो आप सब लोग, आई होप कि आप सभी लोग बड़े होंगे। तो भाई और आज के इस वीडियो में गाइस हम लोग बात करने वाले गाइस फ्री फायर गेम के अंदर गाइस, जो हमारा इलाइट पास का प्री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया था। आज सभी को याद होगा मैंने 2-3 दिन की पहले वीडियो में कहा था कि भाई यार इलाइट पास का प्री रजिस्ट्रेशन जब वोटिंग चालू हो जाएगी तो मैं आपको बता दूंगा। और एक लगभग मैंने कहा था कि भाई इंस्टाग्राम पे वोटिंग होगी, तो वैसा जो इवेंट है उसकी मैं अच्छी खासी डिटेल लेके आ चुका हूँ। और बात करने वाले हैं जो हमारे गाइस कल अपडेट है, तो अपडेट के बाद आपको कुछ न्यू इवेंट देखने को मिलेंगे और कुछ अपडेट मतलब कि कुछ बंडल्स भी देखने को मिलेंगे, कुछ ग्लोब फ्री ग्लोबल की स्किन्स और कुछ परमानेंट गन की स्किन, तो सबको भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो जो भी दोस्त चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ यार चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर देना, वीडियो को भी तो लाइक नहीं किया भी एक लाइक जरूर से कर देना, क्योंकि देखो यार एक लाइक से हमको मोटिवेशन मिलती है। और प्लीज़ यार अपनी फैमिली गाइस बड़ा करो भाई, कम से यार 5,000 सब्सक्राइबर अभी तक तो नहीं हो पाए, तो प्लीज़ यार जो भी दोस्त चैनल पर नहीं हो तो भाई सब्सक्राइब जरूर से कर देना, वीडियो को लाइक नहीं, वीडियो लाइक भी कर देना। हम लोग करते वीडियो को स्टार्ट। और भाई को हो सके तो एक शेयर भी कर देना एक बंदे को, या था कि उन बंदों को भी पता चल सके कि भाई यार हमको जो है कितनी ज्यादा मतलब कि भाई मतलब कि फ्री चीजें मिलने वाली, ठीक है। हम लोग करते वीडियो को स्टार्ट। तो पहला जो अपडेट है गाइस वो है गाइस हमारी न्यू ग्लोबल की स्किन को लेकर। तो गाइस अपने स्क्रीन पर देख सकते हो मेरे भाई, यहाँ पर जो ग्लोबल की स्किन देख रहे हो यार, ये बताया जा रहा है गाइस कि ये जो हमारी 4th एनिवर्सरी की ग्लोबल की स्किन है जो कि हमारे पर्पल कलर की होने वाली है। और अब गाइस ये अदर सर्वे मेरे कुछ टोकन एक्चुअली इवेंट दिए जा रहे हैं, जो कि यार गेम खेल के आपको कलेक्ट करें टोकन और टोकन से आपको जो है इनको एक्शन कर लें, ठीक है। अब ये गाइस देखो यार ये देखने वाली बात हो कि यार हमको कौन से इवेंट दिए, कि मैं ये सोच रहा हूँ गाइस देखो यार, या तो यार मेरे ख्याल से मैं अपना सजेशन बता रहा हूँ, बाकी आपका क्या मतलब क्या आपको क्या लगता है कौन से इवेंट है आप यार मुझे कमेंट के जरूर से बताते हैं, ठीक है। यहाँ पर मुझे लगता है कि देखो या तो ये गाइस आएगी फेडरल में या फिर आएगी टॉप अप इवेंट है, ठीक है। तो गाइस देखो इन दोनों इवेंट में आने के चांस ज़्यादा होते हैं, अधिकतर ग्लोबल इन्हीं चीज़ों में आती है, बाकी चीज़ों में नहीं आती, ठीक है। तो आपको क्या लगता है मुझे कमेंट के जरूर से बता देना। तो यहाँ पर भाई लोग मैं आपको बता दूँ, ये जो ग्लोबल की स्किन है मैंने आपको आपकी 4th एनिवर्सरी की 100% कन्फर्म है कि 4th एनिवर्सरी इवेंट में आपको देखने को मिलेगी। और 4th एनिवर्सरी गाइस आपको 8 तारीख से देखने को मिल जाएगा, ठीक है। 8 तारीख से गाइस देखने को मिलेगा। अब प्री रजिस्ट्रेशन की बात करेंगे कि प्री रजिस्ट्रेशन गाइस हम लोग बात करेंगे वीडियो के एंड में, तो सभी लोग वीडियो के एंड जरूर से देख लें, काफ़ी इंटरेस्टिंग मैं आपको अपडेट्स बताने वाला हूँ, ओके। तो नेक्स्ट अपडेट गाइस हमने के लिए आते हैं बिल्कुल न्यू बंडल को लेकर। तो भाई अगर ये जो बंडल स्कीम पर देख रहे हो ये गाइस हमारे 4th एनिवर्सरी का बंडल, ठीक है। अब यार मैंने आपको 6 का बंडल दिखाया था, नहीं फीमेल का बंडल भी दिखाया था, बट गाइस वो क्या हुआ मैं जानता हूँ मेरे भैया कि 6 का बंडल गाइस हमको फ्री मिला, क्योंकि अधिकतर गाइस 6 का बंडल हमको बिल्कुल फ्री मिलता है और जो मेल का बंडल होता है गाइस वो आता अधिकतर फेडरल बिल में, ठीक है। तो गाइस मेरे ख्याल से तो भैया देखो यार हमको 6 का बंडल फ्री मिलेगा। अगर आपने मेरी पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा भाई, जरूर से चेकआउट कर लेना, काफ़ी अच्छी मैंने उसके अंदर अपडेट बताई, ठीक है। तो भाई लोग मुझसे काफ़ी सारे बंदे जो ये पूछ रहे हैं मेरे भाई कि यार नेक्स्ट कोल्डर अपना कौन सा होने वाला भाई साहब। तो गाइस मैं आपको बता दूं, आपके तसल्ली के लिए गाइस बता रहा हूँ, 90% ये गोल्डर कंफर्म है गाइस, जो कि कल आपको देखने को मिल जाएगा। ये जो 6 का मंडल गाइस ये बताया जा रहा है कि 90% है गाइस कि आपको ये वाला गोल्डर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो भैया आपको ये वाला बंडल कैसा करा मुझे कमेंट करके जरूर से बता देना, क्योंकि यार ये जो गोल्डर के सबसे काफ़ी सही बंडल है 6 का। और गाइस आपको क्या लगता है इसको निकालना चाहिए मतलब कि गरीना फेर को देना चाहिए नहीं देना चाहिए, निकालने के अगर गोल्डर में आएगा तो हम तो निकालेंगे, वो नॉर्मल सी बात है, लेकिन गई ने फिर इसको गोल्ड में देना चाहिए या फिर ये काफ़ी ओपी वाला बंडल या फिर काफ़ी टट्टी बंडल, जो भी आपका सजेशन मुझे कमेंट में जरूर से बता देना। या देखो भाई कमेंट कर दे करो एक प्यारा सा और एक लाइक कर दे करो भाई, सब्सक्राइब कर दे करो भाई सब, क्या एक यूट्यूबर को बस यही चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए, तो प्लीज़ यार ये सब कर देना। चलिए गाइस हम लोग करते हैं नेक्स्ट अपडेट की, और उसके बाद हम लोग गाइस बात करेंगे अपने जो है फाइनल अपडेट जो है गाइस हमारा इलाइट पास का प्री रजिस्ट्रेशन, ठीक है मेरे भाई। भैया जो हमारे नेक्स्ट अपडेट निकल के आते हैं ना गाइस, वो आती है गाइस हमारी बहुत ही बड़ी सैड न्यूज़ से। गाइस आप सभी को मैं बता दूं, जो हमारी M187 गन है गाइस, तो यार उसको काफ़ी सारे यूजर्स यूज़ करते हैं और काफ़ी सारे बंदों की फेवरेट भी है, मेरी भी अच्छी, मुझे भी काफ़ी अच्छी लगती है। तो भैया यहाँ पर आपको बता दूँ, वहाँ पर गाइस अब जो मतलब कि हमारी M187 है गाइस, उसकी जो अपडेट के बाद काफ़ी घटिया होने वाली है, मतलब कि उसकी जो गाइस डैमेज है बहुत ही ज़्यादा कम होगा, ठीक है। अगर गाइस आपने लेवल 4 का वेस्ट पहन रखा है तो सिर्फ और सिर्फ एक गोली से मतलब एक बार अगर फायर कर दो तो 10 गोली निकलती हैं, तो 10 गोली में से जो गाइस एक गोली पड़ेगी तो उसका सिर्फ 6 का डैमेज जाएगा, तो मतलब ज़्यादा कुछ डैमेज पड़ेगा नहीं। तो अब गाइस काफ़ी घटिया होगी अपडेट के बाद, मतलब कि ये काफ़ी सारे बंदे यूज़ करते हैं, तो यार मतलब अधिकतर ऐसा ही होता है जब भी गाइस कुछ चीज़ ज़्यादा फेमस हो जाती है तो FF गाइस उसको क्या करता है, उसको मतलब कि थोड़ा बहुत कम मतलब डाउन कर देता है, जिससे यार वो जो है अब हर बंदा उसको अलग अलग गन को यूज़ करे, सिर्फ उसको यूज़ ना करे। जब हमारे एक्समेंट आई थी गाइस, जब एक्समेंट बहुत ही ओपी वाली चलती थी तब भी ऐसा हुआ था गाइस एक्समेंट को डाउन कर देगा, तो अब यार एक्समेंट को पूछता भी नहीं है, ठीक है। तो यार गाइस आपको ये वाला अपडेट कैसा लगा मुझे कमेंट के जरूर से बता देना। चलिए गाइस आप लोग बात करते हैं अपने फाइनल अपडेट जो कि गाइस हमारा इलाइट पास का प्री रजिस्ट्रेशन, ठीक है मेरे भाई।
भाई अगर आप सभी को याद हो गाइज, मैंने आपको जो है 2-3 दिन पहले वीडियो में गाइज एक पिक दिखाई थी, जिससे मैंने आपको दिखाया था कि प्ले स्टेशन का जो ग्रेन एफएफआई ने ऑफिशियल अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करा है। तो यहाँ पर गाइज वो आपको पिक याद हो तो मैं वाली पिक ये थी मेरे भाई, यहाँ पर गाइज लिखा हुआ था कि आपको प्ले स्टेशन करना अगर आपको लाइट पास लेना है, ठीक है। तो वैसे गाइज मैं आपको बता दूँ, अभी तो फिलहाल गाइज हमारे अदर सर्वर है गाइज, जो अदर सर्वर काफ़ी सारे मेन सर्वर हो गए, जो बड़े सर्वर है, काफ़ी सारे सर्वर्स हैं वहाँ पर गाइज हमारा जो है लाइट पास का अप्लीकेशन चालू हो गया है, ठीक है। तो मतलब कैसे कोई यहाँ पर अपने स्क्रीन पर देख सो मेरे यहाँ ऐसे कुछ कर का इवेंट आया मेरा, वहाँ पर गए जो टोकन कलेक्ट करने हैं, टोकन से उनको कुछ मतलब लॉगिन रिवॉर्ड्स मिलेंगे और उनके इंस्टाग्राम पे भी गए तो वहाँ पर जो एप्लीकेशन चालू हो गया है। तो गाइज मतलब सिंपल सी बात है, अभी तो मेरे अपने सर पर नहीं आया, लेकिन बहुत जल्द गाइज आपको अपने सर पर देखने को मिलेगा। लगभग गाइज मैं आपको बता रहा हूँ 8 तारीख से पहले 5 तारीख तक आपको देखने को मिलेगा। तो आप लोग क्या करो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दो, क्योंकि जैसे लाइट पास का एप्लीकेशन आएगा तो मैं पहले आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, ठीक है मेरे भाई। तो आप लोग मेरे भाई थोड़ा सा वेट करो गाइज, 5 तारीख तक आई होप क्या फ्री फायर गाइज आपको वोटिंग स्टार्ट करवा देगी, जो कि आपको मेरे जो कुछ बिल्कुल ही आपको फ्री में चाहिए गाइज, उसके लिए आपको इंस्टाग्राम पे वोटिंग चालू हो जाएगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर, लाइट पास का मामला है तो भैया मैं सबसे एक्टिव रहूँगा और मैं ही आपको उससे पहले इन्फॉर्मेशन दे दूँगा, ठीक है मेरे भाई। तो यार सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को भी लाइक नहीं का तो एक लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं और इसी वीडियो के साथ, टेक केयर, बाय बाय गाइज, लव यू फ्रेंड्स।